mai Muhammad Iqbal Ali, Vice President India Baitul Mal Gulbarga. जो हमारे जो बैतुल माल के जरिए से जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं सोशल एक्टिविटीज़ उसके बारे में आपसे कुछ जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हम आप बैतुल माल के जरिए जो गरीब बच्चे हैं यतीम बच्चे हैं उनको हम पढ़ाई में स्कॉलरशिप्स देते हैं और फिर गरीब बच्चियाँ हैं यतीम बच्चियाँ उनकी शादियों में हम मदद करते हैं फिर जो है मेडिकल हेल्प भी उनको देते हैं दवाएँ हैं या ऑपरेशन है तो उसमें भी हम मदद करते हैं इसके अलावा बेवा जो लेडीज़ रहते हैं उनको हम पेंशन देते हैं बैतुल माल की तरफ से मंथली पेंशन भी है उसके अलावा भी जो है जो ऑनलाइन उनके भर के ज़िंदगी भर के लिए उनका इंतज़ाम भी करते हैं फिर दूसरा जो है गवर्नमेंट के जितने भी कार्ड्स हैं जैसा राशन कार्ड है लेबर कार्ड है वोटर कार्ड्स है उस टाइप के मुख्तलिफ जो है उसके कैंप्स भी करते हैं और साल भर जो भी जब भी उसका टाइम रहता है वहाँ पर लोगों के यानी हम ये चीज़ बनाते हैं ये पूरा काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बैतुल माल में कोई एक पैसा भी हम चार्ज नहीं करते हैं उसके अलावा जो है ये संघ के तौर पे जो काम चल रहा है लोग जो है लेडीज़ को जो लोन देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट रहता है तो हम यानी 5,000 से देके 5,000 7,000 10,000 के हमारे पास इंस्टॉलमेंट है इसके ज़रिए से हम बग़ैर सूद के जो है उनको मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि ये औरतें हमारे पैर पर ठहरे और ये सूद की लानत से बच जाए इसके अलावा भी जो है कुछ हम पैसा बिजनेस वालों को भी देते हैं कुछ ज़मानत रख के उनको बड़ी अमाउंट भी देते हैं ताकि वो लोग बिजनेस में देते ना वो वापस देना पड़ता है हाँ ये संघ जैसा चलता है वीकली उनको आपको पैसा रिटर्न करना पड़ता है तो एक तकरीबन कई महीनों तक चलता हो 200 रुपये 300 रुपये उनकी चॉइस के ऊपर रखते हैं वीकली हमारा बच्चा जाता है वो उनके 10 के ऊपर एक लीडर होती है हमारी उसके पास जाता है हमारा बच्चा बैतुल माल का और वो पैसा उससे जमा उन्हें जमा करके रखती है वो पैसा हम ले लेते हैं इस तरीके कारोबार वाले के लिए कारोबार के लिए जो है कुछ ज़मानत रख के उनको बड़ी अमाउंट 50-60-70,000 तक भी हम देते हैं ज़मानत के तौर पे है वो एक रख के कुछ भी है लेके देते हैं उसको फिर उसको जो है मंथली अब 10,000 कोई लेता है तो उसको 1,000 रुपये हम मंथली देना पड़ता है अगर 50,000 लेता है तो 5,000 मंथली वो रिटर्न करना पड़ता है उसको तो ये जो है बिज़नेस वालों के लिए रहता है उसके अलावा जो है बैतुल माल का अक्सर मकसद होता है कि आप लोगों को पैरों को पैर पर ठहराएं लोगों को ना कि खैरात करते रहें वही आदमी जो है हर साल आ रहा है वैसा नहीं हम उनको पैर पे ठहराते हैं मिसाल के तौर पे हम जो है मोबाइल ट्रेनिंग देते हैं फोर व्हील ट्रेनिंग देते हैं फोर क्लिफ बोल के एक वज़न चीज़ को उठाने के लिए मशीन होती है जो पूना में है वहाँ भेज के हम ट्रेनिंग देते हैं उनको तो इस तरीके से वो इमीडिएट उनको जॉब लग जाते हैं तो फिर ये पैर पे ठहर जाते हैं अपनी ख़ानदान को ये करते हैं उसके अलावा बहुत सारे हमारे टेलरिंग सेंटर्स चलते हैं और कंप्यूटर सेंटर्स भी हम शुरू कर रहे हैं उसके अलावा वन रूम मदरसा बोल के भी एक चला रहे हैं हम जहाँ पे बच्चों को महल्ले के बच्चों को दीनी तालीम भी देते हैं तो वो टीचर की जो भी हदें हैं हम लोग पे करते हैं बैतुल माल के ज़रिए उसके अलावा ये कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो फ्री आप है नहीं कोई भी कर सकता है इसको तो बैतुल माल जो है 2 साल से हम है नहीं आपके मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं हम उसके लिए दूबदू प्रोग्राम एक हैदराबाद में शुरुआत हुआ वो हम गुलबर्गा में भी करे हैं शादी खाने में जहाँ पे 100 से लोग आके अपने रिश्ते तय करते हैं तो और उसके अलावा भी जो है हमारे बैतुल माल में यानी बहुत सारे 100 से यानी बायोडाटास और फोटोज़ हैं लड़के लड़कियों के जो भी आता हम उनको दिखा देते हैं वो आपस में तय कर लेते हैं इस तरीके से बहुत सारे शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए हो गए हैं एक सेंटर हम बना दिए हैं दोनों के बीच का एक सेंटर है उसी तरीके से जो है मैन पावर ये जॉब्स बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हो गए खासतौर से कोविड में तो और ज़्यादा हो गए तो इसके भी हमारे ग्रुप है बैतुल माल का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोल के हम चलाते हैं जिसमें 100 से बच्चे हैं नहीं रजिस्टर हैं और हम फिर शहर में हमें ऐलान कर दिए कि जिसको भी नौकर चाहिए अकाउंटेंट चाहिए इंजीनियर चाहिए इवन यानी हाउस मेड भी चाहिए आपको लेडीज़ तो हैदराबाद से कहाँ से कि हमारे पास फ़ोन आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हम 100 से औरतों को या जॉब्स लगाए हैं तो इसमें हो रहा है ये फ़ायदा कि जिसको नौकर आदमी चाहिए उसको फ्री में यानी सर्विस मिल जा रही और जिसको नौकरी चाहिए उसको फ्री में जॉब लग जा रहा है तो ये बैतुल माल के कुछ एक्टिविटीज़